वालेकुम। सो गाइस कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं हूं आपका अपना शेफ अली। सो आप देख रहे हैं माय स्पेशल शेफ अली यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आता हूं और अपना एक्सपीरियंस रेसिपी आपके साथ शेयर करता हूँ। सो वैसे ही जो है ना, आज आपकी खिदमत में अपना एक्सपीरियंस रेसिपी लेकर आया हूँ। सो आज की हमारी रेसिपी का नाम है चिकन स्टीम रोल। सो अक्सर हम शादियों पर जाते हैं बट सोचते हैं कि ये कैसे बनेगा। सो मैं सिखाऊंगा आपका छोटा भाई शेफ अली। सो आप मेरे साथ रहेंगे, उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और चैनल मेरे को सब्सक्राइब कीजिए। सो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो आपका बगैर टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम अपने चिकन स्टीम रोस्ट की तरफ। आए मेरे साथ। सो व्यूअर्स, चले बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो स्टैंडर्डली स्टीम रोस्ट में मुर्गी यूज़ होती है उसका जो वेट होना चाहिए वो 900 ग्राम होता है, ठीक है। सो अगर आप बड़ी लेंगे तो उसकी रीज़न ये है कि पीसीस बड़े हो जाएंगे तो फ्राइंग के दौरान आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो अच्छे से जो है ना, हमने इसे क्लीन करना है, तो कोशिश कीजिएगा कि जॉइंट से लाजमी खोलना, क्योंकि जॉइंट से अगर नहीं खोलेंगे तो फ्राइंग के दौरान जो है ना जॉइंट से कच्चा रह जाएगा। सो इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने इसके साथ साथ कट्स लगाने हैं और एक मुर्गी में से हमने 8 पीस लेने हैं, 1/8 करना है हमने, ठीक है। सो अच्छे से कट लग गए हैं जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। ब्रेस्टों के भी हमने यही करना है, ब्रेस्ट का भी हमने 1/2 पीस करना है, ठीक है। एक ब्रेस्ट में से हमने 2 पीस लेने हैं, ठीक है। अच्छे से ज्वाइंट से कट लगा के ये जैसे कि आपने देखा है अभी। सो उसके बाद ये जैसे ही रेडी होता है हम फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। सो इसी के साथ जो है ना, मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि हमने एक पीस में से 8 पीस किए हैं, एक चिकन का पीस था 8 पीस बना। सो व्यूअर्स, ये चिकन हमारा वॉश कर दिया, मैंने वॉश करके इसे रखा है, ठीक है। सो उसके बाद मेरे पास है ये 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून है मेरे पास सॉल्ट और 3 टेबल स्पून है मेरे पास विनीगर। सो ये है मेरे पास चिकन, सो ये है मेरे पास पानी। सो अब हम इन्हें मिक्स करते हैं, इसकी मैरिनेशन करके रखते हैं। सो सबसे पहले जो है हम ऐड करेंगे इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उसके बाद सॉल्ट 1 टेबल स्पून, ठीक है। सो उसी के साथ जो है ना, हम इसमें विनीगर ऐड करेंगे। सो इसी के साथ हम पानी ऐड करेंगे, पानी ऐड करके इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। पानी आपने इतना ऐड करना है कि जिसमें यानी कि आपका चिकन डिप हो जाए, ठीक है। सो अब हम इन्हें मिक्स करेंगे। सो ये तीनों चीज़ें ऐड करने की रीज़न मैं आपको बताता चलूँ, जो विनीगर हमने ऐड किया है वो विनीगर जो हमारा चिकन है उसका ब्लड उसे क्लीन करेगा। सो ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट हमारे चिकन के अंदर तक जो है ना जज्ब होगा। सो जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो इसकी स्मेल को ख़त्म करेगा, ठीक है। सो ये अब हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसे जो है ना हम कुछ देर के लिए, मैक्सिमम 20 मिनट्स के लिए रखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो पानी अभी से ही जो है ना चेंज होना शुरू हो गया, ये इसकी रीज़न ये है कि जो चिकन है, चिकन ने अपना ब्लड छोड़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। सो अब मैं इसे 20 मिनट्स के लिए कवर करके रखूँगा। सो उसके बाद फिर इसका नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं हम। सो व्यूअर्स, 20 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। सो अब जो है ना हम इसका पानी है वो ड्रेन करेंगे। सो जब तक हमारा पानी स्ट्रेन होता रहेगा, सो उसके साथ ही जो है ना मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसका पानी जो है ना ड्रेन करते हैं। सो ये पानी ड्रेन हो चुका है। सो अब इसी के साथ आपको एक बड़ी पॉइंट वाली चीज़ बताने लगा हूँ। कुछ लोग होते हैं जो कि यानी कि इस स्टेज पे ला के इसको ड्रेन, पानी इसका ड्रेन किया, पानी ड्रेन करने के बाद फिर जो है ना, सो इस स्टेज पे जो है ना फिर इसे फ्राई करते हैं, फ्राई करने के बाद जो है ना इसे बैटर लगाते हैं। सो एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप इस स्टेज पर इसे फ्राई कर देंगे, बाद में बैटर लगाएँगे, सो इसे स्टीम देंगे, वो जो योगर्ट है वो जो, सो उसके बाद जो इसका योगर्ट जो बैटर होगा जब हम इसे स्टीम लगाएंगे, सो उससे ये है कि वो सारा जो है ना पानी इसका ड्राई हो जाएगा, इसका मिसाल है जो वो सारा रिड्यूस हो जाएगा। सो जो मेरा तरीका है, जो मेरी मेथड है, जो मेरा मेथड है, जो मेरी रेसिपी है, वो ये है कि जब हम इसी के साथ जो है फ्लावर लगा के इसको बैटर कोट करके इसे फ्राई करेंगे, लास्ट मोमेंट्स तक जो है ना हमारे साथ जो है ना इसका बैटर, इसका टेस्ट हमारे साथ रहेगा, हर बाइट के साथ लास्ट तक हमारे साथ चलेगा। सो इसलिए जो मैं इसे फ्राई नहीं करूँगा, पहले इसे मैरिनेट करूँगा, मैरिनेट करने के बाद फिर जो है ना इसे फ्राई करके स्टीम लगाएंगे। सो आप मेरे साथ रहेंगे, अब मैं इसके इन्ग्रीडियंट्स बताता चलूँ आपको। सो व्यूअर्स, ये है मेरे पास
कॉर्न फ्लोर, ठीक है, ये चिकन को क्रिस्पी करेगा। सो ये है मेरे पास फ्लोर जिसे कि मैदा बोलते हैं, और 1 टेबल स्पून है मेरे पास कोरिएंडर पाउडर, ड्राई कोरिएंडर पाउडर जो कि मैंने खुद से क्रश किया हुआ है। 1.5 टेबल स्पून है मेरे पास रेड चिली पाउडर, ठीक है। सो उसके पास 1 पिंच है मेरे पास कसूरी मेथी एंड अजवाइन, ठीक है, 1 पिंच ये दोनों है। उसके बाद 1 टेबल स्पून है मेरे पास वाइट पेपर, 1 टेबल स्पून है मेरे पास गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून है मेरे पास टर्मेरिक, सो 1 टेबल स्पून है मेरे पास चाट मसाला, सो 1 टेबल स्पून है मेरे पास फ्रेश क्यूमन पाउडर जो कि मैंने खुद से क्रश किया हुआ है। सो ये है जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ठीक है। 3 टेबल स्पून है मेरे पास ग्रीन चिली पेस्ट, ठीक है। सो 100 ग्राम है मेरे पास योगर्ट, ठीक है, अच्छे से मिक्स किया हुआ है। उसके बाद ये है मेरे पास ज़ाफ़रान कलर, जो कि आपको पता है कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि फ़ूड कलर से मैं दूर रहता हूँ। सो मैं कोशिश करता हूँ कि जो रियल कलर है वही यूज़ करूँ। सो ये मेरे पास ज़ाफ़रान है, उसको मैंने गर्म पानी में डाल के काफ़ी देर के लिए रख दिया था। सो इसी के बाद है मेरे पास लेमन जूस, लेमन जूस ऐड करते हुए बता दूँगा। सो ऑयल है मेरे पास, सो ये हमारे इन्ग्रीडियंट्स हैं, अब हम इसे मिक्स करते हैं। इसी के साथ जो है ना सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट जैसे कि है हस्बे जायका होता है, ठीक है। सो अब जो है ना इसे हम मिक्स करेंगे। सो व्यूअर्स 20 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसे करेंगे फ्राई। सो जैसे कि आप देख रहे हो माशाल्लाह कलर भी बहुत प्यारा आ चुका है, सो बहुत ही प्यारा टेस्ट है। सो अब मैं आपको इसका फ्लेम दिखा दूं, मैं इसे डीप फ्रायर में करूंगा। अगर आपके पास कोई कढ़ाई है तो आप उसका जो फायर है मीडियम रखेंगे। सो ये है 100, ठीक है। सो 100 पे इसे रख के उसके बाद जो है ना हम इसे फ्राई करेंगे। आपके फायर का जो है ना, फायर का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि फायर आपका हाई नहीं होना चाहिए। अगर फायर आपका हाई होगा सो उसके बाद जो आपका चिकन है वो सारा जल जाएगा। सो ये जैसे ही जो है ना हम फ्राई करते हैं, सो उसके बाद फ्राई करने के बाद आपसे मुलाकात होती है फिर इंशाल्लाह। सो व्यूअर्स फायर हमारा वही है, ठीक है, मीडियम है। सो जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही प्यारा जो है ना ये फ्राई हो रहा है। सो ज़्यादा इसे हिलाना नहीं है वरना ये ऊपर का बैटर है जो उतर जाएगा। सो ये 100 पे ही है अभी तक, और मैं इसे लास्ट तक जो है ना 100 पे ही बनाऊँगा। सो वीवे चिकन जो है हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम जो है ना इसे निकालेंगे, निकाल के इसे 10 मिनट के लिए ठंडा करेंगे, उसके बाद फिर हम इसे स्टीम लगाएंगे। सो वीवर्स अब हम लगाएंगे अपने चिकन को स्टीम। मेरा फ्लेम जो है वो हाई है, मैं बाद में मीडियम करूँगा जब पानी को जोश आ जाएगा। सो अब ये स्टीमर है मेरे पास, ये स्टीमर रखेंगे, ठीक है। सो उसी के साथ जो है ना हम इसमें पानी ऐड करेंगे। सो पानी आपने इतना ऐड करना है कि जो चिकन के बिल्कुल करीब ना हो, जो कि यानी कि चिकन से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, बस हमें स्टीम चाहिए। सो ये पानी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। सो अब जो है ना चिकन अरेंज करते हैं, जब तक हमारे पानी को भी थोड़ा सा जोश आ जाएगा फिर उसका फ्लेम मीडियम करके मैं आपको दिखाऊँगा। तो जब तक आप मेरे साथ रहें हम चिकन को स्टीम लगाते हैं। तो व्यूअर्स सबसे पहले हम जो है मेरे पास ये बटर पेपर है, ये बटर पेपर लगाएंगे, उसके बाद जो है ना हम इस पर चिकन अरेंज करेंगे, चिकन अच्छे से जो है ना अरेंज करेंगे। तो इसी के साथ जो है मैं थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करूँगा इसके ऊपर, ठीक है। सो ये लेमन जूस ऐड किया, अब इसी के साथ जो है ना साइडों पे 2-3 पीस और कवर कर दूँगा, ठीक है। सो इस तरह से आपने इसे अच्छे से अरेंज करना है। उसके बाद अब हम इसे करेंगे कवर, ठीक है, इस तरह से इसे कवर करना है। इसे अच्छे से स्टीम देनी है हमने, तो स्टीम देके इसको ऐसे कवर करेंगे। उसके बाद आपका ये जो स्टेनर है दूसरा इसके ऊपर होना चाहिए। सो व्यूअर्स ये पानी है हमारा गर्म हो चुका है, अब इसका जो फ्लेम है वो मैं आपको दिखा दूं कि फ्लेम हमने इसका कितना रखना है। सो उसी फ्लेम पे जो है ना हम इसे अच्छे से स्टीम देंगे, इस फ्लेम पे हमने जो है ना इसे स्टीम देनी है, ठीक है।
सो इसे अब हम देंगे आधे घंटे के लिए स्टीम, ठीक है। सो इसको अब हम रखेंगे ऊपर। सो ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये वाला जो एरिया है ये खाली है, चिकन है हमारा ऊपर। सो इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर ज़्यादा पानी के करीब करोगे तो फिर चिकन बहुत ज़्यादा आपका सॉफ्ट हो जाएगा। सो अब मिलते हैं आधे घंटे के बाद। आया था फायर, इसका करते हैं ऑफ। सो अब हम देखते हैं अपना डिलीशियस फूड जो कि बहुत ही प्यारा बन चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत प्यारा हमारा स्टीम रोस्ट रेडी हो चुका है, कमाल का हमारा स्टीम रोस्ट है। सो अब जो है ना, हम इसकी डिश आउट करते हैं, डिश आउट करके दिखाते हैं आपको, उसके बाद आप मेरे साथ ही रहेंगे।